तो फाइनेंस की जो एक थॉट प्रोसेस जो मेरे मन में थी आज मुझे बड़ी अच्छी कनेक्ट हुई कि जो भी इंसान आपकी कंपनी में या तो आपकी टॉप लाइन को इफेक्ट कर रहा है या बॉटम लाइन को इफेक्ट कर रहा है इज अ फाइनेंस गाय उसको चाहे वो बैलेंस शीट पढ़ना आता हो नहीं पढ़ना आता हो लेकिन उसकी वजह से या तो टॉप लाइन ऊपर जा रही है या फिर बॉटम लाइन में कुछ असर हो रहा है कि वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है सो सच सच अ वंडरफुल वे दैट ऑल नंबर्स आर आर इन टर्म्स ऑफ रुपीज एवरी Reflection is in terms of rupees. So it makes more business sense. And I think that's the reason why his, uh, he being non-technical, company because he has got the handle. And that too, a very powerful handle on the main aspect of business. And that's the, the, the money side. So that's, what's, what that's very powerful insight for all of us. Please ensure that you give this sense of finance feeling, even to the office boy.

और अगर आने जाने में उसका पैसा लगेगा तो वो पूछता है दो लोगों से और कि आपका कुछ काम तो है नहीं है सो दैट दैट मनी इज यूटिलाइज टू द मैक्सिमम बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि उसके जाने जाने से जो खर्चा होगा वो उसका बॉटम लाइन पर असर पड़ेगा सो इफ यू कैन ब्रिंग इन दैट सेंसिटिविटी इन सम सेंस टू द कंपनी यू विल सी दैट लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट वर्किंग लाइक ये फाइनेंस गाइज सो दैट्स वन इन साइड सेकंड थिंग आई फाउंड वेरी एक्साइटिंग अबाउट वॉज क्लैरिटी के मैंने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने क्लैरिटी दैट वी विल नोट हैव मोर देन फिफ्टीन परसेंट शेयर गिवन टू वन कस्टमर यह एक डिसिप्लिन जो है सी इट इज नॉट अबाउट जस्ट थिंकिंग एंड डूइंग इट्स द डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन अगर आ गया एंड ही सो वंडरफुल दैट दे टाइम एंड वी है Imagine if that was the situation today. So he he's got the the entire risk mitigated. कि वो अलग अलग divide हुआ हुआ है. I think it's a big lesson for us to learn that we can't be a one customer wonder. And many companies they are so dependent on one customer कि वहीं से आता because आसान है ना. एक ही को service करना है, एक ही को feed करना है, एक ही को handle करना है. लेकिन risk कितना बड़ा है. Something happens to that customer. Something happens to to the relationship between that customer and you. एंड इट्स ऑल डन फॉर और बहुत लोग अनजाने में एक ही पे डिपेंडेंट होते हैं या दो पर डिपेंडेंट होते हैं प्लीजिस एंडगेशन दर्ड पार्ट वॉज द्यूटी ऑफ गेटिंग ऑल टेक्नोलॉजीज अंडर वन रूफ टू देर आर समू है कि कोई एक आसमेट में अच्छा बनाता है कोई दूसरा आसमेट में करंट शार्ट अच्छा बनाता है और हम सारे एक साथ बना लेंगे सो वी हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ सो वॉट एव यू वॉन्ट वो बोलते ना कि टिपिकल एक एक कॉन्सेप्ट है दुकानदारी का कि और आई रिमेंबर माई फादर वैन ही वॉज स्पीकिंग कि बाबू जी हमेशा बोलते थे कि भाई भरी दुकान खाए ग्राहक को खाली दुकान खाए मालिक को तो दुकान भरी होनी चाहिए यार और वो दुकान भरी है तो फिर कस्टमर कहाँ जाएगा वो आएगा अपने पास अगर खाली दुकान है तो फिर वो आप ही को खाएगी तो इज नाट ए शॉपफुल सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नो रॉकेट साइंस नो आई एम अहमदाबाद नो आई आई टी पवई सिंपल बिजनेस सेंस एंड आई थिंक दैट दैट इज बिजनेस मेक्स ऑल सेंस फॉर ऑल ऑफ एस सो दैट इज वॉट आई पिक अप एंड प्लस वी हैव डिस्कस सो मच अबाउट इक्विटी एन प्राइवेट इक्विटी एन आई पी ओ ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली सुनने को मिल रही हैं

एक एक एनर्जी लेवल्स नहीं है पर्सनल आपका एक एक एग्जिस्टेंस में बड़ा एक वीकनेस है तो समवेयर यू आर नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टिव पर्सनल लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड आई वाज रिमेबरिंग मेनी ऑफ यू बिकॉज सो मेनी ऑफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर पर्सनल लाइफ सो यू आर टेकिंग आउट टाइम फॉर सेल्फ यू टेकिंग आउट टाइम फॉर योर हेल्थ योर टेकिंग आउट टाइम फॉर फॉर ऑल दैट विच यू वॉन्ट टू डू सो दैट इज द बिगनिंग ऑफ ऑफ ऑन्टरप्रीनरशिप

क्या सोच के आए थे सरदार बहुत खुश होगा सो दैट गाय लुक्स एट एम एंड एंड ही हैज ओनली हिज ड्रीम टू सेल वो सपना बेचते हैं उसको वो सपना कैसे बेच पाए बिकॉज हिज ओन पर्सनल लीडरशिप इज सो स्ट्रांग ऑफ वॉट ही वॉन्ट्स टू डू हिज पर्सनल बिलीफ इज सो वेरी स्ट्रांग इट्स ओनली वैन यू आर लीडिंग योर लाइफ द वे यू शुड देन यू कैन एक्चुअली लीड टीम बिकॉज दैट्स अ सेकेंड जर्नी टूवर्ड्स अ बिजनेस लीडरशिप योर टीम लीडरशिप जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता वो 20, 50, पांच सौ लोगों को कैसे कंट्रोल करेगा थर्ड पार्ट ऑफ इट इज इट्स ओनली वेन यू हैव अ ग्रेट टीम इट्स ओनली वेन द ग्रेट टीम इज फेड लेड द वे इट शुड बी देन यू मूव ऑन टू द थर्ड आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस लीडरशिप एंड वी हैव सच वंडरफुल एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर शाह कमिंग हिस्टर एंड वी टॉकिंग अबाउट क्रैंक पीसीजन कि ये आज बिजनेस लीडरशिप पे है Is because of his ability to handle his team and build his team over a period of time. Whether team can be in terms of his people working with him or his partnerships, his acquisitions, they're all team. And that happened because of his own personal leadership, which he reflected. Right, throughout from 1988 or 92, from the, from the time he started to now. I think it will sum up in, in a way which will make you connect. It, there's so much to pick up from from. पीपुल हैव लिव लाइफ वर्थ लिविंग और आज आप आए थैंक यू सो मच मिस्टर शाद दू टाइम एंड वॉट यू आर टेकिंग बैक विद दैश इज सो वैल्यूबल कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ल्ड फर आईम श्योर ईच वन ऑफ एस इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लिया है जिसमें लाइफ में वो, किस रूप में बाहर आएगा विनो इन नो सो इट्स इट्स द फ्लाच एस्ट विच विल ब्लूम वन डे तो उसमें कभी पानी लगता है कभी न्यूट्रंस लगते हैं कभी फर्टिलाइजर uh, लगता है कभी स्प्रिंग लगता है गॉड नोज उनके लाइफ में ये कहां पर स्प्रे होगा कहां पर न्यूट्रेंट आएगा एंड वेन दिल फ्लार वी डोंट नो बट डेफिनेटली फॉर श्योर योर इन साइट इज इज गुड बी वन ऑफ रीजन वाई दिल फ्लॉर सो थैंक यू सो मच एंड लाउडेस्ट वर्नॉज फॉर मिस्टर शाह